ये जो कटहल है इसको काटना है, और इसके काटने के लिए थोड़ी सी ट्रिक होती है क्योंकि इसमें लेस काफी होता है। तो आप छुरी को इस तरह से तेल लगा लें, ये देखिए, और अगर आप हाथ लगा रहे हैं कटहल को तो हाथ में भी तेल अच्छी तरह से लगा लें, वो इसलिए ताकि हाथ पे आपके चिपके नहीं। इसे जरा काट लेते हैं, काट के तो देखेंगे कैसा होता है ये कटहल। और इसके बाद ये इसको काटने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि आप इसके ये देखिए ये इस तरह के राउंडल्स काट लें, और उसके बाद ये किनारे का जो छिलका है वो निकाल देना है हमें, और ये जो बीज हैं बीच में ये देखिए ये भी चाहिए ये। अब इसके बाद इसे छील कर इसको छोटे पीसेस के अंदर काटना है, और इसे काटने के बाद इसे आपने पकाना है, और इसे पकाने के लिए बस एक प्रेशर कुकर में कच्चा कटहल लें, उसके अंदर पानी थोड़ा नमक डाल के इसे प्रेशर कुक कर लें दो सीटी आने तक, दो सीटी बाद निकाल लें। ज़्यादा मैश नहीं करना है इसमें हमने। अब ये तेल, अब इसे हमने क्योंकि पानी के अंदर उबाला है, आप चाहें तो इसको इस तरह से पकाने के बाद धूप में सुखा भी सकते हैं। अच्छा, एक और काम करना है हमें, वो ये कि हरी मिर्च इसमें डालेंगे हम, तो ये जो हरी मिर्च है ये थोड़ी तोड़ के, और इसके बाद आप सी सॉल्ट ले लें, ये समुद्री नमक, और इसमें डालें हरी मिर्च और नमक, क्रश कर लेते हैं। अब मुझे लगता है तेल भी गरम हो गया होगा, तेल अगर गरम हो गया हो तो इसमें डालते हैं ये जीरा। जीरा डाल दिया, और उसके साथ साथ इसमें होल राई मस्टर्ड सीड्स वो डाल दिए, और फिर हरा धनिया, वाह देखिए कितना मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर कम करने के लिए हमने डाला, और फिर ये हरी मिर्च। अचार खराब कैसे होते हैं, उसमें फंगस कैसे आ जाता है? देखिए अगर अचार में मॉइस्चर ज़्यादा है तो फंगस आ सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो अचार बनाएं उसमें मॉइस्चर जितना हवा जितनी हो वो कम रहे, इसीलिए इसमें जो इसका पानी है वो सुखा रहे हैं। और ये कटहल जो हमने बॉयल किया हुआ है और सुखाया नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है अच्छी तरह से पकाएं। ये देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, इसका जो रंग है वो कुछ बहुत मज़ेदार इनवाइटिंग नहीं लग रहा, उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए हल्दी, ये देखिए, और अब इसके अंदर नींबू का रस, और नींबू का रस डाल के इसे हमने पकने देना है। ये मिक्स कर दिया, और इसके साथ थोड़ा विनेगर भी, विनेगर डाल के इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब ये जो अचार है ये हो गया बंद, और इसे आप डालें किसे स्टरलाइज्ड कंटेनर के अंदर। स्टरलाइज्ड का मतलब कि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ हो, इसको आप ओवन में रख कर या तो गर्म पानी उबलते हुए पानी से धोएं उसके बाद सुखा लें, धूप में सुखाएं, नहीं तो आप ओवन में इसे अच्छी तरह से गर्म करें और स्टरलाइज कर लें। और फिर ये अचार इसके अंदर, ये देखिए, ये लीजिए, ये हो गया कटहल का अचार। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप।
इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कटल कटा हुआ और उबला हुआ, 15 हरी मिर्च, आधा कप सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक, 1 कप तेल, 2 बड़े चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच राई, 1 कप हरा धनिया कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस और 3 बड़े चम्मच सिरका। इस अचार को बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करके इसमें जीरा, राई और हरा धनिया डालें। हरी मिर्च में समुद्री नमक डालकर इसे पीस लें और इसे भी तेल में डालकर भून लें करीब 2 मिनट तक। अब उबला हुआ कटल और हल्दी पाउडर डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएं और इसमें नींबू का रस और सिरका डालकर मिलाएं और आंच से उतार कर थोड़ा ठंडा करके किसी स्टरलाइज बॉटल में रखें और लीजिए, तैयार हो गया कटल का अचार।